हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। और आज मैं एक रिव्यू बनाने वाला हूँ ये ग्लव्स के बारे में। HB टेस्ट के ग्लव्स है गाइस। ये ग्लव्स मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये कंपनी के ग्लव्स बहुत ही प्यारे ग्लव्स बना रहे हैं। मैं जनरली ग्लव्स ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ। एक स्पेसिफिक ग्लव्स यूज़ करता था मैं, तो मैं जस्ट वेराइटी के तौर पर मैंने ये ग्लव्स मंगा के देखे कि कैसे है, और मेरे को चेक करना था क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारा रेट महंगे जा रहे थे। जो कंपनी के ग्लव्स है वो मुझे यूज़ करना बहुत महंगा जा रहा था रेगुलर बेसिस पे। तो ये लेदर वगैरह मैं यूज़ करके देखा, ये पिटार्ड लेदर करके है, एक स्पेसिफिक लेदर टाइप आता है। मुझे भी स्पेसिफिकली इतना नहीं पता, पर जो फील है, जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है, प्यारा फिट हो रहा है। जो ग्रिप पोजिशन बन रही है, जो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि एक तो अपने को प्रोटेक्शन ज़रूरी है, साथ में फील ज़रूरी है कि ग्रिप पोजीशन कैसे रहने को ना, हाथ से छूटने को नहीं होना। तो ये मैच में यूज़ किया मैंने, आपने देखे होंगे कि इसमें मैंने काफ़ी रन भी बनाए। और ये फील बहुत प्यारा हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि छूटेगा नहीं ग्लव्स से, जो प्रोटेक्शन है। और मैं जैसे 2020 बहुत खेलता हूँ, और आपको पता ही है आड़े टेढ़े शॉट खेलता हूँ, फास्ट बॉलर को भी कभी कभी रिवर्स स्वीप वगैरह खेल देता हूँ, स्कूप वूप मार। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस भी करते हो, मैच में भी बहुत बार बॉडी पे बॉल लगता है या ग्लव्स पे बॉल लगता है। तो यहाँ पे मेरे को 2-3 बार ग्लव्स पे बॉल लगाए, पर इतना फील नहीं हुआ कि ऐसा लगा कि यार साला उसके बाद मेरे को बहुत दर्द हो रहा है अगले बार। वो उसके जैसे थोड़ा तो दर्द होता ही है, कोई भी ग्लव्स ले लीजिए, दुनिया में आप कोई भी ग्लव्स लीजिए, दर्द तो होता ही है। पर उसके बाद जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा सूज गया है काइंड ऑफ। तो वो फील जो है ना, वो एक प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग आती है ना कि नहीं यार, मतलब कंफर्टेबल है। ग्लव्स का जो रेंज भी है, फाइनेंशियली भी मैनेजेबल है। यही क्वालिटी का यही दूसरा ग्लव्स लेने जाएंगे कंपनी में तो डबल के रेट मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें कि 1 डबल से थोड़ा सा कम, पर बहुत ज़्यादा, मतलब 50% से 75% पे रेट चल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। मैं रेगुलरली ये ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ और बहुत प्यारा फील हो रहा है। ये HB कंपनी है, हनी बैगर टेस्ट ग्लव्स है ये। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार खेल के दिखाता हूँ आपको, फील दिखाता हूँ, बॉल डाल। पुल का डालना, ये जो फील है ना, ये हाथ से छूट नहीं रहा है ना, हाथ से छूटना, स्लिप जो होता है ना गाइस, स्लिप, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ग्रिप का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ख़राब ग्रिप यूज़ करते हो ना, तो वो भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ग्रिप, जो ग्लव्स है, ये बहुत मायने रखता है एक प्लेयर के लिए। बैट, बहुत बार ऐसा लगता है कि अपन पैड वगैरह, हेलमेट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, पर जब आप बैटिंग करते हो तो आपका ग्रिप नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप स्लिप ना हो जाए। स्लिप हुआ तो वही इनसाइड पार्ट ऑफ द बैट लगेगा, हिटिंग करते वक्त खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो तो अच्छा फील आया मुझे, तो इसलिए मैं इसमें रिव्यू बनाना चाहता था। तो आई होप गाइस ये ग्लव्स के बारे में जो रिव्यू था आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही काफ़ी रिव्यूज़ बनाऊंगा, काफ़ी प्रोडक्ट के साथ रिव्यू बनाऊंगा। जो भी आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट के साथ रिव्यू बनाया जाए वो कमेंट बॉक्स में डालिए। वो पर्सनली पहले मैं चेक करूंगा और उसके बाद रिव्यू बनाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि मैं एक बार चेक कर लूंगा। ऊपरी तौर पे रिव्यू बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जो स्पेसिफिकली यूज़ किया है तो मैं उसकी डिटेलिंग में जा सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।